हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस्टोरेंट गेमिंग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल का सॉफ्ट लॉन्च आने वाला है उस टाइम पे आपको बैटल पास लेना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस, इस चीज़ के लिए जो मेरा दोस्त है उसने सीओडी मोबाइल का बीटा खेला था, जो उसने अपने टाइम पर खेला था करीब 2019 में, तो उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेकर के। तो वो बताएगा हमको कि हमको इसमें बैटल पास लेना चाहिए या फिर नहीं। हाँ, ऐसा कुछ बता रहा था कि बीटा में कुछ भी नहीं लेना, कि वो क्या सीन था जैसे तूने परचेस किया था कुछ? सुन, समझ। तो अभी खेला वीपीएन लगा के, बाद में अकाउंट चेंज नहीं किया तूने, वही अकाउंट में खेला और तूने, तेरे को बैटल पास लेना होगा कंट्री वाइज ना। तू कंट्री का वीपीएन चलाएगा ना, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी और तेरे को रेट ज़्यादा पड़ेगा। तूने उस कंट्री का वीपीएन लगाया, उस कंट्री की वैल्यू है ना वो पकड़ी जाएगी, इन गेम पकड़ी जाएगी वो वैल्यू। समझ रहे तेरे को? तू गूगल पे से कुछ भी दे, तेरा कुछ नहीं होगा, वैल्यू है ना वही लगेगी। तो मत खेल वीपीएन, ला स्कैम हो जाएगा, मैं नया अकाउंट बना ले। ठीक, तो मतलब जैसे इंडिया में लॉन्च होती है तो कुछ नया करना है ना, न्यू अकाउंट में। हाँ, अकाउंट बना दिए। हाँ हाँ हाँ, लेवल क्या हो गया? ऑडियंस भी पूछ रही थी यही सेम चीज़ जो मैं तेरे से पूछी ना, कि इसमें क्या है इसका, कि जैसे अगर बीटा उसका वाला जो है हमारा वाला, तो वो क्या है कि उसका हमें वीपीएन से खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बोले थे हम बैटल पास लें कि नहीं लें, क्योंकि गेम वालों ने बोला कि अगर आप बैटल पास लोगे तो, या जो भी आप परचेस करोगे गेम के आइटम, तो उसका आपको 25% एक्स्ट्रा मिलेगा बाद में। बेटा खेल ले, कुछ नहीं होगा, अभी वीपीएन ला के बस अकाउंट चेंज कर दे। अकाउंट वही रहेगा या चेंज होगा? नहीं, अकाउंट अगर हम करेंगे वो अकाउंट उससे सेव रहेगी हमारी। तो मत खेल भाई, सेम होगा तो लेवल बढ़ाएगा ना तो भी। तो दूसरे अकाउंट से खेल लूंगा, तो जब ऑफिशियल इंडिया में आएगा तब अपना मेन अकाउंट यूज करूंगा जिससे मैं खेलता हूं। अभी तो भी आ जाएगा, अभी कितना टाइम बाकी है अच्छा? अभी समझ ले एक मंथ के अंदर आ जाएगा, दो हफ्ते के अंदर आ जाएगा, दो हफ्ते जो मतलब सॉफ्ट आएगा ना, सॉफ्ट वाला, वो दो हफ्ते तक आ जाएगा, मगर रजिस्टर करना पड़ेगा उसके लिए।